छोटी उम्र का मुंडा है। हाले पक्का पता लगे भी मुंडा इन्हां दा किहदा 13-14 साल की उम्र है। पोस्टमार्टम करावांगे, पोस्टमार्टम तो इहदी मौत दा कारण की है, मौत दे कारण मुताबक असीं सीसीटीवी फुटेज हर चीज़ चैक करांगे। फिलहाल चैक कर रही पहला भी बच्चा गया तो गया कि पासे आ, वो कुछ फुटेज चैक कीतियां सी, उहदे तो तुहानूं कुछ कोई क्लू नहीं मिलिया सी, ते हुण इहदे पोस्टमार्टम तो बाद इहदी मौत दा कारण क्लीयर होण तो बाद अगले दी तफ्तीश लिया जाऊ। लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं विशाल कपूर। गल की होगी लुधियाना शहर की, लुधियाना शहर के कल सार डिवीजन बरसात के कोल एक बोरी के एक लाश मिलती है, उस तो बाद BRS नगर के एक अनपजाती लाश मिलती है, तो उस तो बाद सलेम टापरी इलाके के ट्रिपल मर्डर होंगे, तो अज दोबारा तो फिर शाम का समा तकरीबन 7:30 बजे का समा वह एक भामिया इलाके खड़े हैं, तो इतने भी एक डेड बॉडी मिलती है। तुम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो तस्वीर ने भामिया इलाके मौजूद है, तो इतने भी जी एक अनपजाती जी डेड बॉडी जी मिली है, जो तस्वीर ने जो दिखाई जा रही बोड़ी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पिंड वासी पूरे इतने नाल मौजूद है, तो पिंड नहीं हो की है कि पता लगे कुछ की है? पता लगे है जी, ये जो ना पानी घटिया टोभे पानी घटने कारण इतों को बच्चे देख आए थे घूमन फिर अंदर आले दुआले, उन्हें जब देखा निगाह पिया जसपाल जी ने जो थाना जमालपुर के SHO ने तस्वीर च दिखाया जा रहा है कि पिंड के लोग भी है ताडे पिंड दे ची मिले जी भामिया खुर्द पानी का लेवल घट गया, पता लगे की उत्ते तैर रही रिचार्ज होंगे, रिचार्ज होकर पानी बोरिंग है, बोर के थले जाता है, तो जाके पानी जोड़ा है फुट डेढ़ फुट तो उपर नहीं आता। की शख्स जोड़ा सिख है कि मोना है, सिख फैमिली तो बिलोंग करता है, सिर से केस रखे ने जुड़ा किया हुआ है। अच्छा, छोटी उम्र का मुंडा है, कोई ज्यादा बड़ी उम्र का मेरे हिसाब से 15-13 के बीच है। बिल्कुल तुहानू तस्वीर दिखाई जा रही है 15-13 साल का, जिहड़ी फोटो दिखाई गई है ना मोबाइल दे विच ही लगता है वध तो वध 14 साल की उम्र होएगी जी, और पानी च डुबण वाला काम ही कोई नहीं हुंदा, पानी ते 1.5 फुट भी नहीं होएगा इहदे विच, हुण भी कल दी बारिश इहदा वैसे सुक्का ही बनिया होया वा, इहदा जिहड़ा वाटर दा बारिश दा पानी है ना वह अंदर थल्ले सी करन नूं बणा बणाया होया वा, परसों दोपहर 12 बजे का गैप है, नजर आ रहा
बिल्कुल आइडेंटिफाई करने वास्ते जो आटो जिहड़ा मंगवा लिता गया टैंपो एक मंगवा लिता गया जिहदे विच डेड बॉडी जिहड़ी है रखी जाएगी। उस बच्चा दस्सिया जा रहा सीगा बच्चा छोटी उम्र का जवाक दस्सिया जा रहा जिसकी डेड बॉडी जिहड़ी है इस आटो दे विच जिहड़ी रखी जानी है। उस तों बाद सिविल हस्पताल दे मोर्चरी दे विच डेड बॉडी जाएगी। उस तों बाद हजे आइडेंटिफाई बिल्कुल नहीं हो पाया। तस्वीर तुहानूं दस दिए कि आइडेंटिफाई कुछ नहीं हो पाया कि आखिर किसकी बॉडी है किसकी नहीं हैगी, लेकिन पुलिस अपने वालों जिहड़ी छानबीन लगातार कर भी रही है। दस दिए कि जिस छप्पड़ दे विचों बच्चे की डेड बॉडी मिली है ये वो छप्पड़ है जिथे रेन वोटर जिहड़ा हुंदा वो उत्ते इकट्ठा हुंदा वा उस तों बाद रीसाइकल हुंदा इस दे विचों जिहड़ी डेड बॉडी मिलती है। तुसीं पिंड दे ही हो? बिलकुल जो पता लगे किस तरह पता लगे पिंड पता नहीं जी कि पता लगे घंटा हो गया उदो पता लगे कोई डेड बॉडी पई है उथे फिर आके पिंड देखा आए मेंबर आए सरपंच आए उन्होंने आके देखा जी जी परिवार का कोई सदस्य अजे तक पता लग पाया नहीं जी अजे तक कुछ नहीं पता लग गया शनाख्त हुई नहीं हैगी अजे प्यो आया बाकी किथे है जी प्यो आ गया परिवार आ रहे हैं अभी जान भी लिया पुत्र ना पैसा परिवार ने नशे नहीं अच्छा लेकिन तुम दस दिए कि क्या जा रहा है कि परिवार जिहड़े शख्स ने आए ने लेकिन पिंड वालों ने भी इत्थे लगातार सहयोग किया उस बॉडी नूं कढ़ाउण वास्ते कि तुसीं पिंड दे ही हो बाई जी आया कोई परिवार का बाई जी बाई जी परिवार परसों मिसिंग होया पर मेनू लगता नहीं शक्ल नहीं पहचानी जा रही मैं घर दे बच लैके आना परिवार नूं फिर देखदा मैनूं परिवार आ रहे बुलाए हुए अपनी मिशन लैन गया सिविल हॉस्पिटल पहुंचेगा शनाख्त करेगा वो अपने इत्थे दा वीरू वाली कलोनी कि मुखचार वाली शनाख्त करूगा हाले ओनू पक्का पता नहीं लगे भी मुंडा इन्हां दा किसी दा 13-14 साल की उम्र है बिलकुल जो पामिया कुर्दे विच एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है उसकी शनाख्त जिहड़ी की जाऊगी लेकिन दस दिए दो दिन पहला भी एक बच्चा इत्थों मिसिंग सीगा जिस परिवार ने पुलिस ने जसपाल जी ने दसिया कि थाना सिटो जमालपुर ने दसिया कि उसकी रिपोर्ट जिहड़ी लिखी हुई है लेकिन लगातार लुधियाना शहर के अज के दिन के ही आ तीसरी मिसहैपनिंग है अज सुबह जी एक डेड बॉडी BRS नगर के मिलती है एक ट्रिपल मर्डर जिहड़ा वा सलेम टापरी इलाके के होंदा एक पामिया कुर थाना जमालपुर के इलाके एक डेड बॉडी मिलती है। आखिर लुधियाना शहर के अज ही तीन जिहड़े इंसीडेंट देखने को मिलते हैं कल किशोर नगर ताजपुर रोड के एक अनपछाती डेड बॉडी मिलती है बोरच बंद लेकिन आखिर
यह बच्चा इस डिग्गिया क्यों, किदा आखिर की वजह सी, पानी की जी डूंगाई दसी जा रही 1.5 फुट की सी, तो हम जो पुलिस की इनवैसटीगेशन होगी वेरीफाई किया जाऊगा उस पता लग सकता है कि बच्चे बच्चे मारने कौन जिम्मेदार है कि बच्चा आप डिग्या वा, यह पुलिस की इनवैसटीगेशन तो बाद ही पता लगेगा। तुम दस दिए भामिया खुरद एक सूचना मिलती है कि एक बच्चा जिहड़ा दो दिन तो लापता हों जिसकी थाना जमालपुर कंप्लेट भी की गई होंगी है, तो उसके उत्ते मुकदमा दर्ज किया गया होंगे कि बच्चा लापता है, लेकिन इतने दात देनी पेगी थाना जमालपुर के SHO की कि उन्होंने मौके पर पहले तो FIR दर्ज की थी गुमशुदगी की, उस तो बाद जो अज बच्चा मिले वो ज़्यादा जानकारी लेंदे SHO जसपाल जी को। जसपाल जी की नाम है बच्चे का, आखिर डेड बॉडी कितों मिलती है? बच्चे का नाम रणवीर सिंह, उम्र करीब 12 साल आ, भामिया खुरद एक सरकारी बनया हुआ टोभा कह लो नो, यह डेड बॉडी मिलती है जी साडू, असी यदि मौके पर वारस बुला के शनाख्त कराई है उस लड़के की डेड बॉडी आ। ये परसों 5 तरीक घरों ये कह के आया कि मेरे पित निकली है, मैं नहाने चलिया, उस तो बाद कल साढ़े को 6 तरीक इन्हों के वारसा ने इतलाह दी है कि वाडा बच्चा घर नहीं आया है, तो तुरंत मुकदमा दर्ज के कल दे CCTV कैमरे से होर चैकअप कर रहे थे। इसे दौरान शाम को अज इतलाह मिली है कि डेड बॉडी पई आ, जाके देखिया तो डेड बॉडी बाहर कढ़ के लोगों की मदद नाल उहदे वारस बुलाए ने, वारसा ने शनाख्त किया, हुण असीं उहदा पोस्टमार्टम करावांगे, पोस्टमार्टम तो जैसी सूरत होगी उहदे मुताबक कार्रवाई की जाऊ। लेकिन जसपाल जी ये जिदा उस पिंड है पिंड कोई CCTV कैमरा जो अगली प्लैनिंग रहेगी पुलिस CCTV फुटेज खंगालनी तो इस केस में ट्रेस करना, उस अलग अलग टीम बिठा दी गई कि लभ रही ने? नहीं अजे फिलहाल यदा जी पोस्टमार्टम करावे, पोस्टमार्टम तो यदी मौत का कारण की आता, मौत के कारण मुताबक असी CCTV फुटेज हर चीज़ चैक करा, फिलहाल चैक कर रही पहला भी बच्चा गया तो गया कि पासे आ, वो कुछ फुटेजा चैक कीतियां सी, उहदे तां कुछ कोई क्लू नहीं मिलिया सी, ते हुण इहदे पोस्टमार्टम तो बाद इहदी मौत का कारण क्लीयर होने तो बाद अगले दी तफ्तीश लैंदे जी। परिवार नूं शनाख्त कराती है? हाँ परिवार ने आके शनाख्त कर ली, उन्होंने कहा बच्चा साडा ही आ, हुण उहदे मुताबक परिवार के बयान के मुताबक उसे मुकदमे के जिहड़ी उहदी पोस्टमार्टम कराया जा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। साडे नाल जसपाल जी साडे नाल मौजूद सी थाणा जमालपुर के SHO ने, जिन्होंने बखूबी तुहानूं पहले भी दस्सिया कि जिन्होंने जो बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट जिहड़े परिवार दर्ज कराउंदा है, रिपोर्ट दर्ज की जाती, मुकदमा दर्ज किया जाता है, लेकिन परिवार की शनाख्त तो बाद यह साबित होंदा कि जो 2 दिन पहले जिहड़ा बच्चा गुमशुदा होया सीगा उसकी ही जिहड़ी है डेड बॉडी हैगी सी, लेकिन जो थाणा SHO ने जमालपुर उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम कराने तो बाद जिदा की सूरत होगी उसके तहत जिहड़ा अलग अलग एंगलों नाल CCTV फुटेज भी खंगाली जाऊगी, तो जो भी सामने आएगा उसके तहत जी कार्रवाई की जाऊगी। लुधियाना कैमरामैन धर्मे नाल, मैं विशाल कपूर, लुधियाना लाइव।